और कैंडिडेट को टिकट यहाँ से मिलती है तो आप समर्थन करोगे उस कैंडिडेट? हाँ, क्यों नहीं करूँगा, हमेशा किया है पिछले 25 साल से निष्ठा से, न केवल नारनौंद में बल्कि पूरे प्रदेश में काम किया है। सारे दशका ने प्रियंका को हार की राम राम। और भाई आपने बेरा जिस दिन की चुनाव की घोषणा हुई है ना, वोट मांगने वाले ने गाल बिठा दी है नारनौंद की, कह लीजिए किसी भी हल्के की कह ले। तो भाई बात करें नारनौंद हल्के की, तो आज है गांव बैणी अमीरपुर में, तो नारनौंद हल्के का गांव है और डॉक्टर साहब मारी गिल्ला है। और डॉक्टर साहब बिरानी कौन सी छड़ी ले रहे हैं कि कैंडिडेट 23 है पर टिकट ही नहीं मिलेगी? राम राम डॉक्टर साहब। राम राम जी। तो डॉक्टर साहब पहले न्यू बता दो को, राम राम। अच्छा, अब पहले न्यू बता दो कैंडिडेट 23 है नारनौंद हल्के का, लेकिन जड़े भी जावे जिसके बीच में बैठा एक का बात आवे है कि टिकट तो डॉक्टर साहब की पक्की है। लोगों का प्यार है मेरे प्रति, जो है स्नेह है उन लोगों का, और कहते हैं कि जनता की जो भावना होती है वो परमात्मा की आवाज़ बनती है, और मैं भी भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि ऐसा हो ताकि मैं इस इलाके की आवाज़ जहाँ ज़रूरत है वहाँ उठा पाऊँ और इस इलाके की सेवा कर पाऊँ। देखो डॉक्टर साहब, आपने रैली करी थी, मतलब बहुत बड़े लेवल की रैली थी, तो उस दिन के बाद बहन शैलजा कुमारी आई थी तो आपको आशीर्वाद दे गई थी, तो उस दिन के बाद लोगों के बीच में एक का चर्चा है बस यही जो मैं बता रही हूँ कि डॉक्टर साहब को मिलेगी टिकट। देखो आशीर्वाद, राजनीतिक रूप से आशीर्वाद उनका शुरू से लेकर आज तक हमेशा रहा है। मैंने भी समर्पण के साथ सेवा की है पार्टी की, मेरे नेता की, तो स्वाभाविक है कि जो आदमी समर्पण करता है, जो आदमी निष्ठा के साथ पार्टी की सेवा करता है, उस व्यक्ति को कभी ना कभी पुरस्कृत किया जाता है। तो प्रार्थना है भगवान से, और मैं समझता हूँ कि सब कुछ अच्छा होगा। डॉक्टर साहब देखो, आप लोगों से मिल रहे हो, लोगों के बीच भी जा रहे हो, तो मतलब की लग गया आपने कि हरियाणा में एक बार कितनी सीट आ जाएगी कांग्रेस? हरियाणा में लोग भावनात्मक रूप से ये तय कर चुके हैं कि हरियाणा में कांग्रेस को ना केवल बहुमत देना है बल्कि एक प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनानी है। और मैं आपको आज, मैंने कल किसी चैनल पर कहा था कि मुख्यमंत्री करनाल छोड़ के भागेंगे, आज मेरे ख्याल में वो चर्चा पुख्ता हो रही है, वो करनाल छोड़ कर के लाडवा जाना चाहते हैं। हरियाणा में लोग इंतज़ार कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी का प्रचंड बहुमत का, मतलब 3/4 बहुमत के साथ हरियाणा में कांग्रेस ने अगली सरकार का निर्माण करेगी और लोगों की एक शानदार दिवाली मनवाएगी, क्योंकि वो सब संकल्प पूरे करेगी जो सपना हमारे नेता राहुल गांधी देखते हैं, उन सब संकल्पों को पूरा करके इस हरियाणा की तस्वीर बदलने का काम करेगी। डॉक्टर साहब देखो, कई बार की होया करें कह दें भी लहर है कांग्रेस की, तो जड़े भी जाऊड़े नु कह दें कांग्रेस की लहर चल रही है, कई बार लहर में बहुत सारी चीज़ बह भी जाया करें। हाँ, हमारे हक में बहेगी, सब कांग्रेस के हक में बहेगी, और 10 का आंकड़ा पार नहीं करेगी भारतीय जनता पार्टी। जब उनके नेता, उनके मुख्यमंत्री, उनके मंत्री सेफ सीट ढूंढते घूम रहे हैं तो इसका मतलब सब कुछ तो अनसेफ है। तो लहर बह रही है, लहर तूफान में परिवर्तित होगी, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी, बढ़िया बनेगी, मजबूत बनेगी, 5 साल के लिए काम करेगी, लोगों की उम्मीदों को पूरा करेगी, विकास के पहिए को दोबारा चलाएगी, और जिस प्रकार की आशाएं एक सरकार से होनी चाहिए कि हमारी आवाज़ सुनी जाएगी, कांग्रेस की वैसी ही सरकार बनेगी। 25 साल से इस पार्टी के साथ जुड़ा हूँ, पिछले 25 साल से निष्ठा से न केवल नारनौंद में बल्कि पूरे प्रदेश में काम किया है, दूसरे प्रदेशों में भी मेरी ड्यूटी लगी है, मैंने अपना काम किया है। बहुत लोगों को इस बात की दिक्कत और तकलीफ़ है, उनके आरोप लगाना उनकी इच्छा पर निर्भर करता है, जैसा लगाएंगे तो उसका सीधा सीधा जवाब है कि मैंने मेरा कार्य किया है, मेरी पार्टी उसका आकलन करेगी, और मैं समझता हूँ आकलन बढ़िया रहेगा और भगवान की दया रहेगी। तो डॉक्टर साहब, नारनौंद की जनता को क्या कहना चाहते हो? मैं ना केवल नारनौंद की जनता को बल्कि पूरे प्रदेश की जनता को केवल एक बात कहना चाहता हूँ कि सजग रहें, सचेत रहें, भारतीय जनता पार्टी हर प्रकार का षड्यंत्र, हर प्रकार के र्यूमर्स करके एक कुप्रयास करेगी, क्योंकि इनकी आदत है कभी झूठे नारे, कभी 400 पार, कभी 75 पार, मगर हमें सचेत रहना है, सजग रहना है और एक रहना है, और हरियाणा में बिना कुछ सोचे समझे हाथ के बटन के सामने वाला बटन दबा करके, हाथ के निशान के बटन को दबा करके हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनानी है,
कांग्रेस जीतेगी तो प्रदेश बचेगा, कांग्रेस जीतेगी तो जनता की आवाज़ उभरेगी, कांग्रेस जीतेगी तो रोज़गार मिलेगा, कांग्रेस जीतेगी तो हर आदमी के हित सुरक्षित रहेंगे। डॉक्टर साहब देखिए, वैसे तो कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब को यहाँ से टिकट मिलेगी, अगर किसी और कैंडिडेट को टिकट यहाँ से मिलती है तो आप समर्थन करोगे उस कैंडिडेट? हाँ, क्यों नहीं करूँगा, हमेशा किया है, इसी पार्टी में पैदाइश हुई है, इसी पार्टी को समर्पण किया है, इसी पार्टी के लिए काम किया है, तो क्यों नहीं करेंगे। देखो डॉक्टर साहब, आपने कहा कि मतलब बीजेपी का 75 पार या फिर 400 पार के नारे भी लग गए, तो अब कांग्रेस कितने पार के नारे लगा रही है? मैंने तो बताया 3/4 बहुमत पक्का है, 100% है। अरे क्षेत्र छोड़ करके मुख्यमंत्री भाग रहे हैं, ये भी पूछने की जरूरत है कि कितनी बहुमत आएगी? भविष्यवाणी शुरू कर दिया आपने डॉक्टर साहब, क्या बुराई है, अच्छी बात है। हाँ मतलब लोगों का प्यार किस तरह का मिल रहा है, जैसे आप यहाँ भी पहुंचे हो, आपके सामने है, आप तो रोज मिलती हो। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। तो भाई अगर नारनौंद हल्के की बात करें तो आपका क्या कहना है, क्योंकि नारनौंद हल्के में 23 कैंडिडेट है और जितने भी गांव हैं 57 जितने भी गांव आओ है, तो लोगों का किस तरह का प्यार मिल रहा है, कांग्रेस ने वोट देना चाहो है या बीजेपी ने देना चाहो या किसी और पार्टी ने देना चाहो है तो हमने जरूर बताइयो, और कौन सा कैंडिडेट आड़े तक देखना चाहो हो कि नारनौंद हल्के में आगे चल कर आपका काम भी करवावे, विकास करवावे और आप तो मिलता जुलता भी रहो, ऐसा ना हो कि तड़के फेर कह देवे कि हम तो जानते ही कौन है, क्योंकि ईब तगाल बिठा दी है फिर ये टोए भी नहीं पाते। डॉक्टर साहब ऐसा तो नहीं होगा फिर टोए भी नहीं पाते हो? मैंने तो देखो जीवन में हर काम ईमानदारी और निष्ठा के साथ किया है। जब मैंने डॉक्टरी करी तो मैंने 5 रुपये की पर्ची के हिसाब से मरीज़ देखे 14 साल। अच्छा। प्राइवेट अस्पताल था मगर 5 रुपये में मरीज देखता था। जब पार्टी की सेवा करी तो हमेशा निस्वार्थ की, ऐसा ही जीवन जिया है। अतीत ही आदमी के, इतिहास ही आदमी का प्रमाण है। पहले अतीत में जाओ, इतिहास को जानो, फिर उस तरह के आदमी कि जो आरोप, जिस प्रकार के अनर्गल आरोप लोग लगाते हैं, फिर उनके बारे में सोचो, इतने क्यों सोचने की ज़रूरत है। तो भाई आपका क्या कहना है डॉक्टर साहब, तो और भी क्या चीज़ पूछना चाहो, क्या सवाल आपके मन में है वो भी ज़रूर पूछियो, ना तो बाकी आपने सुनी भी है, इन्हों भी कह दिया अगर अभी आज यहाँ धोतिया में लील दे देगा तो आपके कहोगे ज़रूर बताइए, और तस्वीर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो, फिर डॉक्टर साहब तो फिर किसी गाँव में मिलेंगे, और आपके जो सवाल आवेंगे कॉमेंट बॉक्स में वे भी ज़रूर रखेंगे डॉक्टर साहब के पास। तब तक के लिए जय हिंद।